fucking with these frontin' ass rappers no more. Well, I guess you could blame us. So really, what should I fear? I've been through it all in a couple of years. I don't need these motherfuckers up in my ear. Hello dosto, welcome to UCC Unnati Competition Classes. इस वीडियो को प्लीज़ 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 स्किप मत करना अगर आपको इंग्लिश का सेक्शन बहुत कमज़ोर लगता है तो. अगर आप इंग्लिश में स्ट्रांग हैं, अगर आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, आप कंपटीशन में इंग्लिश सेक्शन में मैक्सिमम स्कोर करते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं. लेकिन अगर आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत वीक है, कंपटीशन में जो भी इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है उसके साथ आपका 36 का आंकड़ा है, मतलब कि ना वो आपको भाती है, ना आप उसको भाते हो, ना वो आपको समझ पाती है, ना आप उसको, तो इस आंकड़े को मैं आज कम करने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से. इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत. वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, चिंता मत करो दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कमेंट, मैं ऐसा आज आपको कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक है. आपका मन हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, या अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजिएगा. डोंट वरी, मैं ऐसा आपको कुछ नहीं बोलने वाला. मेरी रिक्वेस्ट आपसे केवल इतनी है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले अपने साथ 2-3 A4 शीट अपने पास रखिए और अपना एक पेन लेकर आइए. इस वीडियो को अभी इसी वक्त यहाँ पर पॉज करिए. ये 36 का आंकड़ा मुझे कम करना है, इसमें आप मेरा पूरा सहयोग करेंगे, ठीक है. अगर आपको इंग्लिश से काफ़ी डर लगता है तो बिलीव मी, मुझ पर विश्वास रखिए, मैं इस डर को आपके आज ख़त्म करने वाला हूँ. जल्दी पॉज करिए और पेन पेपर लेके आइए. चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो. देखिए, आप जो भी एग्जाम देंगे उसी पैटर्न पे बेस मैंने कुछ क्वेश्चंस सेट करे हैं आपके सामने. सेम यही पैटर्न आपको रियल एग्जाम में देखने को मिलेगा. और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, टोटल मैंने 25 क्वेश्चंस रखे हैं. 25 क्वेश्चंस एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं. प्रीवियस एग्जाम के कुछ क्वेश्चन सेट की मेरे पास बुक रखी थी तो वहाँ से मैंने इन क्वेश्चंस का सिलेक्शन करा है. और 2017 में जिनकी पूछी जाने की संभावना बहुत अधिक है, ठीक है. बच्चों, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, जो भी रूल मैं आपको बताऊंगा वो आप प्लीज़ राइट डाउन जरूर करना, ठीक है. चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो. पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है हमसे क्या, बेस्ट एक्सप्रेसिस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. इसका मतलब ये हुआ कि हमको इसका सिनोनिमस चूज करना है कि इसका समानार्थी शब्द क्या होगा, ठीक है. देखिए, पहला वर्ड है होंचो, ठीक है. होंचो का जो मीनिंग होता है, जो इसका मतलब होता है, वो होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी के अंदर जो हमारा मेन इंचार्ज होता है, ठीक है. तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बॉस. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास क्या, सी, बॉस, ठीक है. और जो ऑप्शंस ए है, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधि करने वाला, वर्कर का मतलब जो कार्यकर्ता होते हैं वो, और कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है ठेकेदार. तो किसी भी कंपनी का जो हेड होता है उसे हम बोलते हैं होंचो. ये हमको नहीं पता होता, मैक्सिमम हम लोग किसी कंपनी में अगर काम करते हैं हम मैक्सिमम या तो बॉस बोलते हैं या फिर हम लोग सर बोलते हैं उनको, बट उनको हम लोग होंचो बोलते हैं. जो हमारा ब्रिटिश रूल था तो वहाँ पे जो पोस्ट निकलती थी वहाँ पे मैक्सिमम लोग अपने जो सीनियर जो अपने बॉस होते थे उसको बॉस की जगह पर होंचो बोला जाता था. तो ये वर्ड जो एडॉप्ट करा गया है ये वहाँ से करा गया है, ठीक है. चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रे, ठीक है. आप इस वीडियो को पॉज करिए अगर आपका इंग्लिश का सेक्शन काफ़ी अच्छा है, आपको लगता है कि ठीक है इंग्लिश में आप मैक्सिमम स्कोर कर पाते हैं, तो आप मेरे हर एक नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते ही आप तुरंत उस वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपना राइट आंसर अपने पेपर पे लिखिए और फाइनल जो भी आपका स्कोर बनता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं. चलिए बात करते हैं फ्रे की. देखिए हाँ, एक बात और कि आप कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उसको कम से कम 30 सेकेंड में आपको अपना आंसर देना होगा, ठीक है. मॉक टेस्ट की स्पीड को भी मेंटेन करना एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है,
ठीक है। देखिए एलियंस का मतलब होता है सहयोग करना किसी का, ठीक है। जुबिलेंस का मतलब होता है खुशी। देखिए जुबिलेंस भी वर्ड कई काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको स्किप नहीं करेंगे। जुबिलेंस जो होता हैप्पी का सिनोनिमस होता है, लेकिन हैप्पी और जुबिलेंस में फर्क होता है। मैंने आपको अपने शायद मॉक टेस्ट 1 या मॉक टेस्ट 2 में बताया था, ऐसी इसी से संबंधित मैंने क्वेश्चन सबको दिया था। जुबिलेंस का मतलब होता है अपनी खुशी को बहुत अधिक तरीके से बयां करना। जैसे कि क्रिकेट टीम अगर जीतती है वर्ल्ड कप, भारत की अगर क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतती है, तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे, हम लोग क्रैकर के साथ अपनी खुशी को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन हैप्पी जो होता हैप्पी सिंपल, ठीक है मैं खुश हूँ, इतना बोला बहुत है। अगर आप सोचिए, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सिंपल आपने कोई एमटीएस का एग्जाम दिया या कोई सीजीएल का एग्जाम दिया, आप सिंपल अपनी तरीके से तैयारी कर रहे थे, और अचानक से आपको पता चले कि आपका जो स्कोर है, आपकी जो ज्वाइनिंग हुई है ऑल ओवर इंडिया टॉप 1 रैंक पे हुई है, तो आपकी जो कंडीशन होगी खुशी की, वो क्या होगी, जुबिलेंस। आपका मन करेगा कि मैं क्रैकर फोड़ू, मतलब मैं आतिशबाजी करूं, मिठाई बंटवाऊं, तो ऐसी कंडीशन क्या होगी, जुबिलेंस होगी। अगर आपका सिंपल क्वालिफाई होते हो, आपको ज्वाइनिंग मिलती है, आपकी रैंक जो है बहुत ही रेयर ही रैंक है, बहुत ही रफली रैंक है, बट आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप एक हैप्पी वाली कंडीशन में होंगे, ठीक है। जुबिलेंस मतलब जब अपनी खुशी की सीमा काफी चरम सीमा पर हो, और हैप्पी का मतलब केवल खुशी। और इन ट्यूशंस का मतलब होता है अपनी अंतरात्मा की आवाज, और कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है डिस्प्यूट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बच्चों होगा इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों इसका राइट आंसर होगा डी, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब डिस्प्यूट करना या फ्री करना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे कहता है, क्या कहता है, मैवरिक। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बच्चों मैवरिक, मैवरिक भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि एग्जाम में पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया है। आप बस ये समझिए कि आपके सामने जो भी क्वेश्चन इस समय प्रेजेंट होने वाले हैं, वो प्रीवियस एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, चाहे वो SSC के MTS एग्जाम में पूछे गए हो, LDC के एग्जाम में पूछे गए हो, या फिर किसी CGL के एग्जाम में पूछे गए हो, ठीक है। देखो मैवरिक का जो एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है, ठीक है, वो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मीनिंग मैं आपको बता दूं कि ऐसा पर्सन जो पूरी तरह से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, मतलब स्वतंत्र विचारों वाला हो, उसे कोई रोक टोक नहीं हो, अपना मतलब लाइफ को खुद ही वो लीड करता हो, ठीक है। देखिए ऑप्शंस, जो पहला ऑप्शन है हमारा सोफिस्टिकेटेड, इसका मतलब होता है विवेकी, मतलब बुद्धिमानी। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन। मॉडर्न का मतलब होता है हमारा आधुनिक भारत जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और सी जो होता है कन्फर्मिस्ट, इसका मतलब होता है निर्भर। अब आप जरा बताइए कि इसमें से आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा। आपको मैंने इतना हिंट दे दिया कि मैवरिक वो पर्सन होता है जो स्वतंत्र विचारों वाला हो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा, देखिए आप कभी भी ना एक गलती आप प्लीज मत करिएगा। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, ऊपर हमको सिनोनिमस नहीं बताना है, हमको यहाँ बताना है क्या, अपोजिट वर्ड, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि ऊपर का मीनिंग क्या है वो नहीं पूछता, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है वो अपोजिट वर्ड। तो मैवरिक का मतलब होता है आत्मनिर्भर जो इंसान हो, इंडिपेंडेंट, ठीक है। और ऑप्शन सी जो है आपका कन्फर्मिस्ट, इसका मतलब होता है निर्भर। तो इसका अपोजिट क्या होगा, कॉन्फर्मिस्ट। इसका जो राइट आंसर होगा वो बच्चों वो होगा सी, कन्फर्मिस्ट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आप कभी भी अगर एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं रियल एग्जाम, तो वहां पे कई बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी कोई गलती करें, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। रिफ्यूट, रिफ्यूट का जो मतलब होता है वास्तव में वो होता है खंडन करना किसी बात का, किसी की बात को बीच में काट देना या खंडन करना, ठीक है। इसका भी हमको अगेन अपोजिट वर्ड ही देखना कि इसका अपोजिट वर्ड क्या है। ऊपर नहीं लिखा, लेकिन जो अभी पीछे पार्ट आया था ये उसी का ही पार्ट है हमारे पास में, मतलब अपोजिट वर्ड ही हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है। देखिए ब्लफ होता है, ब्लफ मास्टर आपने मूवी देखी होगी अभिषेक बच्चन की, वो इंसान क्या करता है, औरों को चीट करता है, धोखा देता है। तो ब्लफ का मतलब क्या हो गया, धोखेबाज। बी जो है अप होल्ड, अप होल्ड का मतलब होता है किसी का समर्थन करना, ठीक है, किसी को सपोर्ट करना। ऑप्शन सी जो होता है वो होता है अपकीप, मतलब पालना
पालन पोषण करना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं हम उसका क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं, तो वो अपकीप कंडीशंस में होता है छोटा बच्चा। और डिनाय का मतलब होता है किसी बात को खंडन करना, ठीक है। इसका मतलब होता है, देखो रिफ्यूट का मतलब होता है किसी बात को इनकार कर देना, किसी बात का खंडन करना, रिफ्यूट का मतलब। तो इसका हमको अपोजिट देखना है, वो होगा अपहोल्ड, मतलब समर्थन करना, ठीक है। अपहोल्ड क्या होगा, ये वर्ड होगा समर्थन करना। इसका मतलब क्या क्या होता है, रिफ्यूट का मतलब समर्थन ना करना, खंडन करना, और अपहोल्ड का मतलब समर्थन करना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, बी। बी पार्ट हमारा क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव जो होता है एंड ज्वाइन। मैक्सिमम बच्चे इस फाइव को क्या होता है, इंजॉइन का मतलब ज्वाइन करना नहीं होता। मैक्सिमम बच्चे इसको समझेंगे ज्वाइन करना मतलब जोड़ना, इसका अपोजिट क्या होगा, सेपरेट करना। बी ऑप्शन पे टिक लगा के अपना आगे बढ़ जाएंगे, बट ये आपका आंसर बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। सॉरी बच्चों, देखिए एंड ज्वाइन का जो मतलब होता है वो होता है अर्ज करना, अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने कहना, या फिर इसको कह सकते हैं रिक्वेस्ट करना, ठीक है। देखिए ऑप्शंस ए जो है इसका मतलब होता है बिखेरना, ठीक है। डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेरना, सेपरेट का मतलब होता है अलग करना, फॉरबिड का जो मतलब होता है वो होता है प्रिवेंट करना किसी चीज को। प्रिवेंट का मतलब किसी को रोकना, किसी गलत काम से, कोई इंसान कोई गलत काम कर रहा है तो उसको रोक रहे हैं, तो मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, मतलब फॉरबिड कर रहे हैं। और फोर सी का मतलब होता है, गैस करना, अनुमान लगाना, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा किसी को रोकना, मतलब सी, ठीक है। फॉरबिड मतलब एंजॉइन पे हमने अर्ज करा, हम क्या कर रहे हैं, फॉरबिड कर रहे हैं किसी को, हमको किसी व्यक्ति को हम अर्ज करने से क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये एक नया पार्ट है बच्चों, ठीक है। इसमें बोलता है idioms and phrases, four alternatives are given for the idioms phrases, choose the word which best expressions, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं एक्चुअली मुहावरे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा सेंटेंस हमको देता है, ठीक है, उसका जवाब हमको एक सिंगल सेंटेंस में रिप्लेस करना होता है, ठीक है। देखिए वर्ड होता है चिप ऑन योर शोल्डर, इसका मतलब होता है कि पास्ट की बात को सोचकर दुखी होना। मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, इतिहास को सोचते रहते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ, इतना गलत हुआ, तो उसके विचारों के साथ में क्या होते हैं, वो दुखी होते हैं, ठीक है। ये मुहावरा इससे संबंधित है। तो आपको मैंने इतना ऑप्शन दे दिया, इतना हिंट मैंने आपको दे दिया, अब सही ऑप्शन क्या है आप चूज कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका राइट आंसर निकाल लिया होगा। इसका राइट आंसर है डी, अपसेट अबाउट समथिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी, ठीक है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आपसे कहना चाहूँगा कि आप सफलता पाना चाहते हैं तो खुद को कम से कम, मतलब कि खुद से कम वीक में एक मॉक टेस्ट प्लीज़ जरूर सॉल्व करा करिए। मॉक टेस्ट के माध्यम से क्या होगा, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, मॉक टेस्ट इंग्लिश का नहीं, मॉक टेस्ट कंप्लीट, जो भी आपका एग्जाम आने वाला है, जिस पे भी आपने टारगेट सेट कर रखा है कि हाँ मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो वीक में कम से कम एक मॉक टेस्ट दीजिए। एग्जाम जब पास है तो डेली का एक मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करिए। देखिए क्या होता है कि अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको कौन सा पोर्शन, कौन सा सेक्शन, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, उस पर आपको काम करने की आवश्यकता है, उस पर मेहनत करने की आवश्यकता है आपको, ठीक है। अब मेरे अकॉर्डिंग आप कम से कम वीक में एक मॉक टेस्ट दीजिए, अगर आपके पास एग्जाम में 4 महीने बचे हैं तो। अगर आपके एग्जाम में मात्र 15 से 20 दिन बचे हुए हैं तो आप कम से कम मैक्सिमम टाइम अपना स्टडी में स्पेंड करिए, खर्च करिए अपना मैक्सिमम टाइम स्टडी में, कहीं पर भी हो सके जाइए पढ़ने के लिए। घर पे स्टडी कर सकते हैं तो घर पे स्टडी करिए, आपके पास सेपरेट रूम है, अगर सेपरेट रूम नहीं है तो किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लीजिए, सरकारी प्राइवेट कोई भी लाइब्रेरी होती है, वहाँ पर जाके अपना एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करो कि मुझको रेगुलर इस समय लाइब्रेरी जाना है, वहाँ पर स्टडी करनी है। उस पर प्लीज़ कोई भी लापरवाही मत करना, कुछ भी स्किप मत करना। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी राय पसंद आई होगी लाइब्रेरी ज्वाइन करने की। सरकारी लाइब्रेरी काफ़ी जगह पर होती है, अगर आपके यहाँ पे नहीं है तो अपने फ्रेंड के साथ आप स्टडी कर लीजिए, उससे पूछिए कि तू कहाँ पे स्टडी करता है, क्या मुझको कुछ घंटे डेली के मिल सकते हैं। स्टडी कम करिएगा लेकिन अच्छी करिएगा स्टडी,
ठीक है, मैक्सिमम रिवाइज करने पे ज़्यादा फोकस करना, स्पीड स्लो हो लेकिन अच्छी हो पढ़ने की, ठीक है। ये नहीं कि आप ढेर पढ़ रहे हैं, डेली पन्ने पढ़ रहे हैं, डेली 15-20 पेज पढ़ रहे हैं, बट एग्ज़ाम में आपको सही वक्त पे कोई चीज़ याद नहीं आ रही है, तो वो पन्ने पलटने का या ढेर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को आप हो सके तो दोबारा एक बार प्ले करके अपने सारे रूल्स अगर आप लिख रहे हैं तो उसको रिवाइज करिएगा, ठीक है। पेन पेपर मैंने आपको इसलिए बोला था कि आप ये सारे रूल लिखेंगे सबका, मैं जो हिंदी में मीनिंग बता रहा हूँ तो वो भी आप लिखेंगे कि हाँ हिंदी में मीनिंग एक एक का क्या होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 होता है हमारे पास स्पिल द बीन्स, स्पाइल द बीन्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है विभीषण, रावण का भाई। रावण का भाई जो था वो था विभीषण, आपने देखा होगा, आपको पता होगा दशहरे के टाइम पे इनका भी पुतला जो होता है जलाया जाता है। तो स्पाइल द बीन्स का मतलब होता है घर का भेदी लंका ढाहे, मतलब डिस्क्लोज ए सीक्रेट, किसी बात को, किसी सीक्रेट बात को डिस्क्लोज कर देना। विभीषण क्या करता था, अपने घर की जो गहरी बातें होती थी उनको क्या क्या करता था, राम जी के साथ क्या क्या करता था वो शेयर करता था, जो हमारे राम जी भगवान थे उनके साथ क्या करता था डिस्क्लोज करते थे ये विभीषण जी। तो अब इसको इस तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। स्पाइल द बीन्स, विभीषण का नाम क्या था, बीन्स, बीन्स जो हम सब्जी खाते हैं ना, विभीषण को बीन्स काफी पसंद थी। इस तरह से आप लोग वर्डों को याद कर लीजिए और इसका इडियम्स और फ्रेजेस आपको याद हो जाएगा, टू डिस्क्लोज ए सीक्रेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। देखिए जो कॉन्डेमन होता है, कॉन्डेमन का मतलब होता है बुराई करना, मैशअप का मतलब होता है किसी चीज को बिगाड़ देना, मतलब हम कहते हैं ना कोई चीज मैश कर दो, मतलब मिक्स कर दो, मिला दो, जो उसकी सही अवस्था होती है उससे हम लोग क्या करते हैं उसकी जो फिगर होती है उसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। मैशअप करना मतलब मिलाना। इसका जो राइट आंसर मैंने आपको बता दिया क्या था, बी ऑप्शन का राइट आंसर था हमारे पास, स्पाइल द बीन्स का मतलब टू डिस्क्लोज ए सीक्रेट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है कम हेल और हाई वाटर। इसका जो मतलब होता है, चाहे जितनी भी रुकावट हो या दिक्कतें आए मैं इस काम को कर कर रहूंगा, ऐसा पर्सन, ठीक है। तो रुकावट या फिर दिक्कतें, इसका मतलब है कम हेल एंड हाई वाटर। जब पानी क्या होता है काफी हाई होता है, अगर आपके शरीर से ऊपर आपको पानी पहुंच जाए किसी भी समुद्र का, तो क्या होगा आपके सामने एक ऑब्स्टिकल आ जाएगी, एक रुकावट आ जाएगी बाहर निकलने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑब्स्टिकल मतलब बी, बी इसका राइट आंसर होगा। लॉजिकल अप्रोच मतलब आपको पता ही है, एक ग्रेट डिलेमा, ठीक है ना, डिलेमा भी बोलते हैं इसको, इसका मतलब होता है दुविधा। लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है हमारे पास बी। देखिए एग्जाम्पल दिया है आपके सामने में, दे हैड बीन सेलिंग स्टोलन कार्स 4 ईयर्स बिफोर द पुलिस कैच अप विद देम, ठीक है। ए सीट्स फॉर ए पैसेंजर बिहाइंड ए मोटरसाइकिल, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें जो कह रहा है हमसे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। मुहावरा और सब्स्टिट्यूशन दोनों सेम से ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें मेन आपका मेन टारगेट ये होता है कि इसमें लंबे से सेंटेंस को एक सिंगल वर्ड से रिप्लेस करना होता है, मतलब सीधी बात नो बकवास, ठीक है। मतलब लंबे सेंटेंस को सिंपल एक सेंटेंस में हमको रिप्लेस करना है, सिंपल एक वर्ड में रिप्लेस करना है, सेंटेंस को वर्ड के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है हमसे कि मोटरसाइकिल के पीछे की सीट को हम क्या बोलते हैं, मोटरसाइकिल जो होती है या स्कूटर जो होता है उसके पीछे की सीट जो होती है छोटी सी, उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जो पिलियन होता है, पिलियन का चलो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ऑप्शन जो बी है हमारे सामने इसको हम बोलते हैं चौफर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं चौफर। देखिए चौफर का जो मतलब होता है वो होता है ड्राइवर, क्यूरेटर का मतलब होता है हमारे पास में किसी म्यूजियम का, कोई म्यूजियम वगैरह होता है ना तो उसका जो हेड होता है, जो उसका इंचार्ज होता है उसको बोलते हैं क्यूरेटर। और कंफर्टर मतलब बोलते हैं हम लोग सोफा सेट, कंफर्ट से बना है, अगर हम सोफे में बैठते हैं तो हम कैसे फील करते हैं, कंफर्ट फील करते हैं, तो कंफर्टर से बना है सोफा सेट। अब आते हैं हम ऑप्शन नंबर ए पे। देखिए पिलो का मतलब क्या होता है, पिलो का मतलब होता है तकिया, पिलो मतलब तकिया, और उसकी छोटी बहन क्या होगी, पिली,
पिलियन बोलते हैं उसको, छोटी सी गद्दी। ठीक है, तकिए का छोटा रूप क्या होता है, गद्दी। वो गद्दी कैसी होती है, तकिए से बहुत छोटी होती है, और मोटरसाइकिल की बैक की जो सीट होती है वो क्या होती है, पिलियन होती है, उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, पिलियन। आप इससे से याद कर लीजिएगा, पिलो की छोटी बहन क्या है, पिलियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमसे पूछा है सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, जो घोड़े पर जो भी कोई बैटल होती है हमारे पास, ठीक है ना, बैटल हमारे पास नहीं, एक्चुअली जो भी बैटल में घोड़े के ऊपर बैठकर जो सैनिक युद्ध करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास में है। देखिए ऑप्शन ए जो है हमारे पास वो है कैवेलरी, ठीक है ना, तो इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग चलो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, देखिए इन्फेंट्री क्या होता है, इन्फेंट्री होता है जो पैदल सैनिक होते हैं, वो बटालियन आर्मी ऑफ यूनिट, मतलब कुछ लोगों की एक बटालियन मिल करके एक बटालियन बनती है, कुछ लोगों का समूह मिलकर एक बटालियन बनता है। ठीक है, रेजिमेंट क्या होता है, रेजिमेंट भी आर्मी के ही एक टर्म है, ठीक है ना, इसका जो हेड होता है वो होता है लेफ्टिनेंट कर्नल। कभी कभी एग्जाम में लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग भी पूछता है कि लेफ्टिनेंट की सही स्पेलिंग क्या होती है, आपको चार ऑप्शन देगा, उसमें तीन की स्पेलिंग वो गलत होगी, एक की राइट होगी, तो लेफ्टिनेंट सिगरेट ये कुछ वर्ड होते हैं उसकी वो आपसे राइट मीनिंग पूछता है, तो आप ये देख लीजिएगा। और मैंने अपने एक मॉक टेस्ट में भी इसकी सही मीनिंग आपको बताई है, कर्नल लेफ्टिनेंट सिगरेट ये कुछ स्टैंडर्ड कुछ वर्ड है, इनकी स्पेलिंग आप याद करके जाइएगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होता है कैवेलरी, राइट आंसर होगा इसका ए। ठीक है, जो घोड़े पर बैठकर युद्ध लड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैवेलरी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है ए लार्ज स्लीपिंग रूम विद सेवरल बेड, एक ऐसा बड़ा सा रूम जहां पे क्या होते हैं, बहुत सारे बेड लगे होते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों आप किसी बड़े या छोटे शहर में जाते हैं, ठीक है ना, ये रूम सभी जगह आपको मिल जाते हैं आसानी से। ये एक ऐसा रूम या बड़ा सा हॉल होता है जहां पर 20 से 25 लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ काफी सारे बेड वहां पे लगे होते हैं उनके आराम के लिए, बड़ा बहुत बड़ी एक टाइप का हॉल होता है, उसको हम बोलते हैं धर्मशाला। ठीक है, देखिए प्राइवेट होटल में तो क्या होता है, सेपरेट रूम सेपरेट फैमिली, प्राइवेसी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे प्राइवेसी बहुत कम होती है। ठीक है, इन शॉर्ट ये था इसका समझाने का आपका पर्पस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉई मैट्री, डॉई मैट्री मतलब बी इसका राइट आंसर है, डोमिसाइल मतलब रहने का जो स्थान होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डोमिसाइल। लॉन्च जो होता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं लॉन्च को, एक्चुअली हम बोलते हैं कि जो होटल होता है, होटल का जो ओपन एरिया होता है खुली जगह, उसको हम बोलते हैं लॉन्च। ठीक है ना, काफी बच्चे इसको अपना सही आंसर मान रहे होंगे, लेकिन वो लॉन्च में सोना अलाउ नहीं होता, तो बेड लगाकर सोना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, लॉन्च मतलब होटल का खुलासा जो बरामदा होता है उसको हम बोलते हैं लॉन्च। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ एक वर्ड और है गया इसमें, ए डोरमेंट, डोरमेंट जो होता है डोरमेंट को बोलते हैं इनएक्टिव, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है ए प्लेस फॉर हाउसिंग एयरप्लेन्स, ठीक है, जहां पर एयरप्लेन्स को रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ए बी सी डी चार ऑप्शन आगे ना आपके पास में है, इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा हैंगर। ठीक है, डॉक यार्ड होता है, ये सभी टर्म जो है एरोप्लेन से संबंधित ही है। ठीक है, बट जहां पे एरोप्लेन रखे जाते हैं उसको बोलते हैं हैंगर, हैंगर, और जहां पे एरोप्लेन रिपेयर होते हैं उसको बोलते हैं डॉक यार्ड। एरोड्रम होता है हवाई अड्डा, कॉकपिट का मतलब होता है चैम्बर, जहां पे पायलट वगैरह पूरे हमारे एरोप्लेन को कंट्रोल करते हैं उसको बोलते हैं कॉकपिट रूम। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हैंगर। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। टू कट ऑफ ए पर्सन इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट, ठीक है, इसमें मतलब ये है कि व्यक्ति के इन्फेक्टेड बॉडी के पार्ट को, जो बॉडी का पार्ट जो इन्फेक्टेड हो गया है, सड़ गया है, गल गया है, उसको जो अलग करा जाता है, उस पार्ट को जो काटा जाता है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी एम्बुटेट,
एम्पुटेट का मतलब होता है, एम्पुटेट बोल सकते हैं इसको, इसका मतलब होता है काटना, ठीक है। पार्ट अलग कैसे होगा जब हम उसको कट करेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है। रैम्पेज का मतलब होता है उग्र, और इन कम्बेशंस का मतलब होता है कि जब मुर्गी अंडा देती है तो वो अंडे को सेकने के लिए उसके ऊपर बैठ जाती है, ठीक है, जिससे कि उसके जो अंदर अंडे के अंदर जो उसके बच्चे हैं उसको एक प्रॉपर एक फेवरेबल टेम्परेचर मिल सके। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं इनकम्बेशंस। बायोलॉजी के स्टूडेंट ने ये वर्ड काफी बार देखा होगा, तो बायोलॉजी में ये वर्ड काफी यूज करा गया है, तो इसलिए आपको इसमें निकालना है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था टू कट ऑफ ए पर्सन इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एम्पुटेट, एम्पुटेट, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, 14, 15, 16। यहाँ पे हमसे कुछ अलग पूछना चाहता है, हमसे बोल रहा है कि कौन से पार्ट में एरर है वो छाटना है हमको, ठीक है। अगर किसी पार्ट में एरर नहीं है तो फिर हम आंसर लगाएंगे अपना डी, नो एरर। देखिए बच्चों, एसएससी के एमटीएस एलडीसी सीजर के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपको चार ऑप्शन दिए होंगे या दिए होते हैं, ठीक है ना। बट बैंकिंग में क्या होता है, बैंकिंग में इसकी जो स्टेटमेंट है वो बढ़ जाती है, मतलब इसमें पांच ऑप्शन आपको देगा बैंक के एग्जाम में, ठीक है। बट एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइंड द एरर के लिए, कि कौन से पार्ट में एरर है उस चीज के लिए, ठीक है। अब देखिए हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर हमसे 14 कह रहा है वन शुड रेस्पेक्ट देयर एल्डर, पार्ट डी नो एरर। अगर इस पार्ट में कहाँ पे एरर है हमको देखनी है, अगर पार्ट में एरर नहीं है तो हम डी अपना आंसर लगा के आएंगे, ठीक है। देखिए वन एक प्रोनाउन है, इसका पॉजिटिव केस वंस होता है, ठीक है, देयर नहीं होता, तो पार्ट सी में जो हमारे पास होगा वो एरर होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे वंस होगा, तो पार्ट सी में हमको क्या मिल गया, एरर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 15 में है माई एसएसटी टीचर टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। देखिए यहाँ पे जो ये टोल्ड है, टोल्ड हमको पास्ट टेंस इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, और मूव्ड भी हमको क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है पास्ट टेंस। और ये पूरा सेंटेंस अगर आप पढ़ते हो तो मैडम ने कुछ गलत नहीं बोला, मैडम ने सही बोला है, मतलब ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस अगर पास्ट में है तो सेकंड सेंटेंस हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ वाले केस में पास्ट में नहीं आएगा, यहाँ पे मूव्ड की जगह पर क्या होगा, मूव्स, यहाँ पे एस आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछता है आई एम एक्सट्रीमली बिजी टूडे एमेंटाई, तो इसमें जो है ये टैग वाला क्वेश्चंस है, ठीक है, टैग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफी इजी होता है। देखिए इसमें आई एम वाले सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग है वो एक्चुअली गलत है, ठीक है, पार्ट सी में एरर है, ठीक है। देखिए आई एम एन टाई नहीं होता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, यहां पे होगा आपका राइट आंसर आर एन टाई, ठीक है, आर एन टाई, तो पार्ट सी में जो होगा हमारा इस समय एरर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हमसे उसमें ये कहता है कि उस कंपनी को छोड़े हुए मुझे 2 साल हो चुके हैं, इट हैज बिन 2 ईयर सिंस आई हैव लेफ्ट दैट कंपनी, ठीक है। देखिए क्या होता है कि इस तरह के जो ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर होते हैं तो उसमें सिंस के बाद हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। इसमें जो हैव दिया है आपको, ठीक है ना, ये जो हैव इसने दिया है यहाँ पर हैव का यूज नहीं होगा, ये यहाँ पर इसने फालतू में यूज कर रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो इसमें जो पार्ट सी में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर एरर होगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे इट हैज बिन 2 ईयर सिंस लेफ्ट दैट कंपनी, ठीक है, पार्ट सी में एरर होगा, हैव यहाँ से क्या होगा हट जाएगा, इसे क्रॉस कराइए। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कहता है इन इंटेलिजेंस शी इज बेटर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास 9th, मतलब कि बेटर देन के बाद हम हमेशा, बेटर देन के बाद हम हमेशा, याद रखिएगा बच्चों, हम हमेशा एनी अदर का यूज करते हैं, ठीक है, एनी अदर का यूज करते हैं। यहाँ पार्ट सी में एरर है, यहाँ पे अदर इसमें नहीं नहीं दिया है, आपको अदर यहाँ पे ज्वाइंट करना पड़ेगा, एनी अदर स्टूडेंट आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। कौन से पार्ट में एरर है, यहाँ पे पार्ट सी में यहाँ पे एरर होगा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ।
बेटर देन के बाद हम हमेशा एनी अदर का यूज करते हैं। बस नोट्स में आप इतना लिखिए, अगर एग्जाम में आपको से पूछता है, अगर आपको रूल याद होता है तो फटाफट आप अपना राइट आंसर लगा के आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कहता है, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट एंड सो हैज माई सिस्टर। ठीक है, यहाँ पूरा सेंटेंस दिया इसने, तो यहाँ पे जो मतलब है कहने का वो ये है कि मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है और मेरी सिस्टर ने भी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है। तो इस रिपीटेशन इसमें क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है सेंटेंस, मतलब एक बात अपने लिए बोल रहा है प्रोजेक्ट के बारे में और सेम बात रिपीट कर रहा है अपने सिस्टर को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सो लगाते हैं हम यहाँ पे, ऐसे केस में जो होता है सो लगाते हैं, राइट है, फिर हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, हैज भी लगा यहाँ पे, राइट है, और उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, मतलब माई सिस्टर। तो यहाँ पे क्या है, सब कुछ सही चल रहा है, तो पार्ट डी यहाँ इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी अपने आंसर, जिनका इंग्लिश सेक्शन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी उनको वो स्कोर करते हैं मॉक टेस्ट में, अगर वो अटेम्प्ट कर रहे हैं ऐसे बच्चे, तो अपना स्कोर मुझे फाइनल बना के आप कमेंट बॉक्स में लिख के प्लीज़ ज़रूर भेजिएगा। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, आप इसके नोट्स बना रहे होंगे जिसको नहीं आता है। हाँ, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिए इसमें क्या है, हमसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है विद एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ऑप्शंस। जो भी ऑप्शंस में एप्रोप्रिएट वर्ड आपको लग रहा है वो उसमें आपको फिल करना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स से हमारे पास में है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे बोला है, सिंस ही मैस्ड अप थिंग्स आई गेव हिम डैश ऑफ माई माइंड। ठीक है, मतलब कि उसने काम बिगाड़ दिया था इसलिए मैंने उसे क्या है, डांट लगाई। तो देखिए यहाँ पे जो पार्ट डी है हमारे पास में, पीस ऑफ माइंड होगा यहाँ पर, इसका मतलब होता है मन की शांति। ठीक है, ये एक एडियम फ्रेजिस है, पीस ऑफ माई माइंड। ठीक है, इसका मतलब होता है कि किसी को डांटना, किसी को फटकार लगाना, पीस ऑफ माई माइंड यहाँ पे होगा, ये फ्रेजिस है। तो जो पार्ट डी है यहाँ पर, पार्ट डी हम चूज करेंगे, यहाँ हम फिल करेंगे पीस, मतलब सिंस ही मैस्ड अप थिंग्स आई गेव हिम पीस ऑफ माय माइंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, ही वाज सैक्ड अप फ्रॉम द जॉब बिकॉज ही वाज डैश ऑफ हिज ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वह ड्यूटीज को या ड्यूटी के प्रति कैसा था। कोई इंसान अगर ड्यूटी के प्रति अवेयर होगा, पार्ट सी, उसको निकाला जाएगा, कभी नहीं निकाल सकते उसको। तो पार्ट ये जो सी दे रखा ऑप्शंस, ये तो हो नहीं सकता यहाँ पर। ठीक है, अब हम बोलते हैं यहाँ पर ये पार्ट जो डी है, इसका मतलब होता है सचेत, जो इंसान सचेत होगा तो उसको भी निकाल नहीं सकते हम लोग। ठीक है ना, और इग्नोरेंट, आप आइए पार्ट ए में, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी, जिसके पास ज्ञान ना हो उस काम को करने का। तो यहाँ पे जो फिल करेंगे हम लोग करेंगे ए, जो इंसान अज्ञानी होगा, जिसको काम की नॉलेज नहीं होगी, उसी को हम लोग क्या करेंगे, जॉब से निकालेंगे। तो यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट वर्ड जो बन रहा है, हमारी जो कंडीशन फुलफिल कर रहा है सेंटेंस को पूरा करने की, वो कर रहा है ए, मतलब इग्नोरेंट, राइट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। सी वॉज एक्सट्रीमली अपसेट अबाउट द ट्रीटमेंट एंड वॉज डैश ऑन अबाउट द अनफेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, लगातार शिकायत करने को, लगातार चिल्लाने को हम रेंटिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके साथ क्या हो गया, वो एक्चुअली बहुत ही उदास थी क्योंकि उसके साथ क्या हो गया, अनफेयर ट्रीटमेंट उसके साथ करा गया। ठीक है, तो लगातार चिल्लाना, लगातार अपसेट होना, ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं रेंटिंग, RANTING, रेंटिंग। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास बी। ये लास्ट पार्ट है, ठीक है, आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। इसमें क्या हो गया, इसमें होता क्या है, ऐसे सेंटेंस में क्या हो गया, आप देखेंगे कि कहाँ पे एरर है। यहाँ पे क्या होगा, जो भी पार्ट अंडरलाइन है उसको हमें रिप्लेस करना है अपने चार ऑप्शंस में से। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा कि आपको सेंटेंस को काफी केयरफुली पढ़ना है, अगर आपके ग्रामर के रूल सारे क्लियर हैं तभी आपका ये आंसर राइट होगा। ठीक है, 23, 24, 25 ये तीन क्वेश्चन हम अभी और सॉल्व करेंगे। अगर आपका ग्रामर का पोर्शन काफी वीक है
तो मैंने लूसेंट ग्रामर जो बुक आती है इंग्लिश की, उसके लिए मैंने बेसिक रूल इस वीडियो में अपलोड करे हैं। ठीक है, मैं आपको दो प्लेलिस्ट अभी दिखाऊंगा कुछ समय बाद, इसी वीडियो में आपको शो होगी, उस पर आप क्लिक करना, लूसेंट की बुक आपको मिल जाएगी, बेसिक रूल आप वहाँ से सीख सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी एक प्लेलिस्ट और इस वीडियो में शो करूंगा, जिसमें होगा आपका MTS का इंग्लिश का मॉक टेस्ट, इसको बोलते हैं स्पॉटिंग एरर। आप उसमें देख लीजिएगा, आपको जो भी सुटेबल लगे वैसे आप करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ही इज नॉट यूज टू वेकअप अर्ली। देखिए यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब आती है जब इज एम आर नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इज एम आर आ रहा है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं आई यूज टू, इज एम आर यहाँ पे नहीं आया, ही इज सॉरी ही यूज टू यहाँ पे भी इज एम आर नहीं आया। एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, चलो मैं क्रिकेट खेला करता था, मतलब आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, बट यहाँ क्वेश्चन में क्या है, इज आया है, तो यहाँ पे क्या लगेगी, ING फॉर्म का यूज होगा। अगर इज एम आर आए तो ING फॉर्म का हम हमेशा यूज करते हैं, वेकिंग नहीं होगा, वेकिंग अप होगा, मतलब ए जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ऑप्शन सी को अपना टिक लगाएंगे और आगे क्वेश्चंस में बढ़ जाएंगे अपने रियल एग्जाम में। ठीक है, जिसको रूल अगर क्लियर है तो वो काफी आसानी से इन सब के आंसर दे रहा होगा, काफी अच्छे क्वेश्चन थे ये एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे हमसे कहता है आई हैव हैड मैनी बिटर एक्सपीरियंसेस इन द पास्ट। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पूरा सेंटेंस जो हैव आया है, हैव का मतलब यहाँ पे जो सेंटेंस लिया है वो लिया है एज ए हेल्पिंग वर्ब के लिए। ठीक है, और हैड जो आया है वो आया रेगुलर वर्ब के लिए। ठीक है, ये दोनों फिट बैठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस में, तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस जो है यहाँ पर हमारा राइट है, हम लोग लगाएंगे राइट आंसर डी, नो इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 25, यू मस्ट नॉट, ठीक है, डेविएट टू द एग्रीड रूट। देखिए इसका रूल भी काफी बेसिक रूल है, जो डिविएट है, डिविएट के बाद हम हमेशा यहाँ पर फ्रॉम लगाते हैं, डिविएट के बाद हमेशा फ्रॉम आएगा, तो आप चेक करिए फ्रॉम कहाँ पे आ रहा है, पार्ट सी में हमको जो ये है फ्रॉम मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी। तो बच्चों इसी के साथ हमने 1 से लेकर के 25 तक क्वेश्चंस करें। ठीक है, अगर आपने इसको पूरी ईमानदारी से अटेम्प्ट करा है तो बहुत अच्छी बात है, अपना स्कोर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको अजीब लगता है कि सब लोग मेरे कमेंट बॉक्स को अगर रीड करेंगे कि मैंने क्या स्कोर भेजा है, कोई क्या सोचेगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर आपको कमेंट बॉक्स में भेजने में दिक्कत है कोई बात नहीं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल पे अपना स्कोर भेज दीजिए, नहीं भेजना कोई बात नहीं, लेकिन अपने साथ आप ईमानदारी बनाए रखिए। इस चैनल पे पूरा फेथ करने के लिए आने का एक धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। देखिए शेयर करने के लिए मैं आपको फोर्स इसलिए करता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे आपके फ्रेंड होंगे जो काफ़ी मेहनती होंगे, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कंपटीशन को क्रैक करना चाहते हैं, बट उनके पास सही गाइडेंस नहीं है, तो पढ़ने वाले जो भी आपके फ्रेंड हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, बाकी उनसे ये मत बोलिए कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, ये करें, वो करें, वो उन पे डिपेंड होता है कि वो क्या करते हैं। ठीक है, बट आपका इतना काम है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर करिए, बाकी उसकी हेड अप कि वो इसको कितनी ईमानदारी से फुलफिल करता है, A4 पेज पे नोट करता है या फिर नहीं करता, प्लेलिस्ट वॉच करेगा या फिर नहीं करेगा, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ये करना भी नहीं है, मैं आपको इसकी राय दूंगा भी नहीं कि जबरदस्ती किसी को बोलो कि लाइक करे लाइक करे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ही लाइक करना, अदरवाइज मत करना। देखिए 25 क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चन थे जो रियल एग्जाम में पूछे गए थे पास्ट में। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपकी मर्जी हो, तो लाइक प्लीज जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, जो पहली बार देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब करिएगा, और दोनों जो ये प्लेलिस्ट आपके सामने साइडों में खुल के आ रही है, ठीक है, इस पे आप क्लिक करिए, आपको इसमें मैक्सिमम इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी वीडियो इस चैनल पे मैंने अपलोड करे हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और सेंटर में जो आपको ये सर्कल दिखाई दे रहा है जिसमें आपके पास एक दवात बनी है, और ये यहाँ पे जो आपका ये हाथ बना हुआ है साइड में, इस पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों,
लेता हूँ आपसे अलविदा, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। उन्नति कंपटीशन क्लासेस की पूरी टीम की ओर से बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, जो भी आपका एग्जाम होने वाला है, जो भी आपने रूल पढ़े हैं सही वक्त पे आपको वो ज्ञान काम आए, ज्ञान वही है जो मुसीबत में काम आए, ठीक है। नोट्स बनाते रहिएगा, जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ में। लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। बाय, धन्यवाद।